सबसे बड़ी बात टाइम, आपको 2 बजे का टाइम दिया गया था। हाँ, उससे पहले आपको सर्विस, हाँ सर ने मेरे को जो है मैंने सर्विस कॉल बुक करी थी और उसके थोड़ी देर बाद ही कॉल मेरा हो गया था सर से अरेंज, और सर के कॉल अरेंज होने के बाद ही जो है सर 2 बजे की मैंने सर्विस बुक करी थी और 2 बजे से पहले जो है सर पहुंच चुके हैं घर पर। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऑन टाइम सर्विस, प्योर डिलीवरी, और हाँ जो सबसे मेन चीज है वो सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, क्योंकि मैंने आज जब सुबह सर्विस को बुक किया था तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा 39 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा पे किए थे फॉर सर्विस मेजर, तो उसको देखते हुए प्रॉपर सेफ्टी जब सर घर पर आए तो नीचे ही उन्होंने पर्टिकुलर जो सेफ्टी गियर्स हैं उनको उसको वियर किया, पहना, उसके बाद ही यहाँ पर आए हैं। सर क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं अभी आप? सबसे पहले तो सर हाथ को घर में जाते के साथ ही हाथों को सैनिटाइज करना, ओके, सैनिटाइज, ग्लव्स, मास्क, ये पूरा प्रॉपर, हाँ हाँ मास्क हो, और बस उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ जो है अर्बन क्लैब कंपनी के जो टेक्नीशियन इंजीनियर्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं, और मैं भी आपको प्रीफर करूंगा कि आप किसी अदर कंपनी से आप बुलाएं तो सेफ्टी के रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अर्बन क्लैब को ही प्रीफर करें। तो दोस्तों हमने सर को बुलाया था अर्बन क्लैब से। सर कुछ सवाल आपके लिए मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर। अर्बन क्लैब कंपनी से मैंने आज ही सर्विस को बुक किया था मॉर्निंग में, और मेरे फ्रिज में प्रॉब्लम आ गई थी कि इसमें कूलिंग नहीं हो रही थी, तो आप मुझे बताइए कि आपको मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई, और अभी आप ऑलरेडी रेक्टिफाई कर चुके हैं उस प्रॉब्लम को, आप मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि ये कूलिंग नहीं कर रहा था? एक्चुअली जो कंप्रेसर को जो पार्ट चलाता है, कंप्रेसर को जो पार्ट ऑपरेट करता है, वो पार्ट खराब हो गया था। ओके, लाइट फ्लक्चुएशन या किसी भी अदर रीजन से जी, तो पार्ट चेंज कर दिया। और अच्छा, उस पार्ट का क्या नाम था सर? रिले और ऑयल पी। अच्छा, रिले और ऑयल पी। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट हो चुकी है, और इस जो मेरा फ्रिज है वो अब कूलिंग स्टार्ट कर दिया इसने करना, कूलिंग कर रहा है, और इसके लिए जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो मैंने पे किए हैं, और पे करने के बाद ये सर्विस जो है कंप्लीट हो चुकी है। और सर इसमें थोड़ा सा मेरे को गाइड करिए, मतलब फ्रिजेस के अंदर मैं आपसे मतलब एक दो चीज़ें और पूछना चाहूँगा जी, कि कौन सा फ्रिज मतलब कौन सी कंपनी का फ्रिज बेटर होता है, क्योंकि मेरे को एक और फ्रिज लेना है, तो कौन सी कंपनी का प्रीफर करेंगे? जैसे मेरा ये गोदरेज का फ्रिज है, कौन सी कंपनी का फ्रिज लिया जाए? सर अभी क्वालिटी वाइज तो कुछ कह नहीं सकते किसी को, एक को जी पूरी तरीके से प्रेफरेंस नहीं दे सकते कि ये बहुत अच्छा है जी, बाकी LG सैमसंग जो है वो मार्केट में ज्यादा है। ओके, LG सैमसंग मार्केट में ज्यादा है, और उसकी सर्विस भी आसान है। ओके, तो पार्ट्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो सर आप कब से हैं अर्बन, अर्बन हो चुका है आई थिंक कंपनी का नाम, पर पहले अर्बन क्लैब था जी, और अब अर्बन हो चुका है इसका नाम। अभी ज्वाइन किया सर मैंने 1 महीने। ओके, 1 महीने आपने ज्वाइन किया, तो अभी क्योंकि कुछ समस्या चल रही है इंडिया में जैसे आपको पता ही है, तो अभी क्या सर्विस कॉल आ रही है या कम आ रही है? आ रही है सर, सही आ रही है सर्विस कॉल, अच्छी आ रही है। और दूसरी कंपनियां बंद है ना, दूसरी कंपनियां कम मैन पावर के साथ सर्विस प्रोवाइड करा रही है। ओके, तो इस वजह से अर्बन क्लैब को अच्छा काम आ रहा है। ओके, तो अर्बन क्लैब को अच्छा काम हो रहा है सर जो बता रहे थे हमें, और सर की सर्विस से मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। कूलिंग जैसे मैंने आपको बताया अभी फ्रिज अच्छी खासी कूलिंग कर रहा है, और प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर चुके हैं, जो सर ने बताया कि रिले आई थिंक एक और चीज़ की प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट हो चुकी है, और आगे भी जैसे मैंने पिछले साल एसी की सर्विस करवाई थी अर्बन क्लैब से, इस साल मैंने फ्रिज की सर्विस करवाई और मैं सेटिस्फाइड हूँ, जबकि मुझे और किसी भी अगर मैं कंपनी से बुलाऊँ तो कन्फ्यूजन रहती है कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम रहते हुए कहीं कुछ और ही प्रॉब्लम ना बता दें। ये सर मैंने फील किया है, मतलब प्रॉब्लम कुछ और होती है और वो कुछ और ही बता देते हैं, पैसे किसी और चीज के ले जाते हैं, मतलब पैसे अननेसेसरी ले जाते हैं। तो इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ अर्बन क्लैब कंपनी को, आप भी अर्बन क्लैब को प्रीफर करिए। और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है अर्बन क्लैब कंपनी का या अर्बन कंपनी का, जो भी आप बोलें, ये सिर्फ मेरा अपना एक रिव्यू था जो मैंने सर के सर्विस करने के बाद किया है, और अब परफेक्ट सर्विस थी और मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर कि आपने हमारे फ्रिज को ठीक किया, और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि फिर से आप लोगों से ही सर्विस ली जाए। थैंक यू सो मच। ओके, और जगह